सेकंड वीडियो है मेरा स्ट्रेटेजी कैसे तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी, जनरल हिंदी हमें कैसे तैयार करनी है। एक हरदेव बाहरी की बुक आती है, ठीक है, तो आप हरदेव बाहरी की बुक ले लेंगे। और एक घटना चक्र की आती है, हिंदी का आलेखन पे बुक आती है। इन दो बुक को पढ़ोगे आप, ठीक है, जो ड्राफ्टिंग है, ठीक है, लेटर ड्राफ्टिंग वो मैं बताऊंगा, ठीक है। मेन जो होते हैं ड्राफ्टिंग के मार्क्स होते हैं, अगर आपकी ड्राफ्टिंग सही है जिसमें मैथ की तरह मार्क्स मिलते हैं तो आप इजीली 90 जो हमारा टारगेट है वो स्कोर कर सकते हो, नहीं तो फिर आप 65 इतने मार्क्स ऊपर लाना बहुत टेढ़ी भीड़ हो जाती है, लोग दो दो साल में इससे ऊपर नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग मैं सिखाऊंगा, बाकी आप हरदेव बहारी नोट कर लो और घटना चक्र की हिंदी का आलेखन वो आप ले के रखो, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऐसे ऐसे की स्ट्रेटेजी होगी। अभी आप अपने दिमाग को ना जितने भी हिंदू के आर्टिकल पढ़ सकते हो वो पढ़ो। आप हिंदी न्यूज़पेपर जो भी पढ़ते हो, अमर उजाला पढ़ते हो या दैनिक जागरण पढ़ते हो, ठीक है, जो भी पढ़ते हो उसके जो एडिटोरियल होते हैं, ठीक है, उन एडिटोरियल को पढ़ते रहो। और जो लगता है जो करंट न्यूज़ चल रही है वो है तो उसे इकट्ठे करते रहो, काट काट के रखते रहो। ऐसे को कैसे डेवलप करना है, ठीक है, 360 डिग्री, जो 360 डिग्री घुमा के चले गया टॉपिक को उसको ऐसे में आराम से 60% मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं तो मार्क्स लाना टफ हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो आप ये करो, नवंबर में जब मैं आऊँगा ना तो पूरा बताऊँगा आपको ऐसे में नंबर कैसे लाने हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका GS, स्टार्ट होती है GS1 एंड GS2। अब GS1 ये पेपर आपका ना ऑब्जेक्टिव होगा, जैसे भी आपने PT में दिया, ठीक है। इसमें मैं कह रहा हूँ आप हिस्ट्री ये थोड़ा डीपली तैयार करो, कभी इस बार ना हिस्ट्री बोला देगी। अब 20 से 30 क्वेश्चन आएंगे, ये डिटरमाइन करेंगे, बाकी क्वेश्चन जो होते हैं तो वो पढ़ के आ जाते हैं, ये नहीं आ पाते। अगर इसमें आप मास्टर हो थोड़े भी तो आप इजीली स्कोर कर दोगे 80%, ठीक है। बाकी जो होगा बाकी बहुत ईजी आएगा वो मैं आपको बताऊँगा। तो हिस्ट्री के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, इसको आप थारोली पढ़ो, क्योंकि जब तक डीपली नहीं पढ़ोगे वहाँ पे एलिमिनेशन नहीं कर पाओगे ऑप्शन के, ठीक है। ये आप एक महीने तक आपको ये होमवर्क है, आपको हिस्ट्री तैयार करनी है खुद से। उसके बाद जो मेरी हिस्ट्री की सीरीज आएगी फिर उससे क्या होगा आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इसी में जियोग्राफी ये मैं पूरी कराऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद जो करंट अफेयर, इस बार करंट अफेयर जो आएगी द हिंदू से आएगी, ठीक है, योजना से, ठीक है, कुरुक्षेत्र से, ठीक है। और आपकी जो करंट अफेयर जो है ये 2 साल की पूरी कवरेज मैं आपको दूंगा, इसके बाहर अब कुछ नहीं आएगा। अब वो दिन चलेगा जो पुरानी किताबों से आता था, ठीक है, अब उनसे किसी से कोई क्वेश्चन नहीं आया, PT में पता चल गया है, सारे डीपली क्वेश्चन आएंगे वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी आपका होमवर्क जो है केवल हिस्ट्री वाला, ये सब मेरे पे छोड़ दो आप। अब है GS सेकंड का आपका अगला होमवर्क है, आपको स्टैटिक्स तैयार करने, स्टैटिक्स के 60 क्वेश्चन आएंगे और ये एकदम सही होगा, तो 80% से ऊपर खींच दोगे। स्टैटिक्स मैं भी कराऊंगा लेकिन तब मैं फास्ट मोड में कराऊंगा, मीन मोड मीडियन क्वार्टाइल डेसाइल ये सब, ठीक है। अभी आप खाली पढ़ते रहो कि क्या होती है स्टैटिक्स, ठीक है, जिससे आपका डर निकल जाए स्टैटिक्स के। दूसरा इसमें क्वेश्चन होता है पॉलिटी का, ठीक है, पॉलिटी इस बार देख लो कितनी घुमा के आई थी, तो पॉलिटी मैं इतने प्यार से कराऊंगा, 100% क्वेश्चन करोगे पॉलिटी में, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो ये GS2 का होमवर्क जो है केवल स्टैटिक्स के 60 क्वेश्चन, बाकी मैं खुद कराऊंगा आपको ऑप्शनल, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको 2 ऑप्शनल कराऊंगा खुद से, एक होगा सोशल वर्क, दूसरा होगा जियोग्राफी, बाकी 4 ऑप्शनल और इंट्रोड्यूस होंगे वो मेरी टीम के मेंबर्स आपको कराएंगे, उसका सेपरेटली अनाउंस होगा। लेकिन अभी जो मैं करा रहा हूँ उसकी स्ट्रेटेजी सुन लो। सोशल वर्क में आपको कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने तरीके से कराऊंगा। प्रेजेंटेशन के नंबर होते हैं इसमें, ठीक है, प्रेजेंटेशन, फ्लो डायग्राम, ठीक है, ये जितने ज़्यादा बनाओगे सोशल वर्क में, ठीक है, और उसमें आपको करना है करंट में क्या हो रहा है, ठीक है। अगर इसका आपने इसमें तड़का लगा दिया आपके 135 मार्क्स आसानी से आएंगे, ठीक है, 140 मार्क्स भी दिला रखे हैं मैंने अपने स्टूडेंट को पेपर 1 पेपर 2 में, ठीक है। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है सोशल वर्क, इसका सिलेबस जो है बहुत कम है, 15 दिन में आप तैयार कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी तो बहुत टाइम है,